चलो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सिद्धू मूसेवाला पाजी की तरफ से। तो जो सुनील शेट्टी हैं उन्होंने अभी सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात करते हुए क्या कहा हुआ है, आप खुद देख सकते हो क्लिप। आई थिंक वो सबसे बड़ी लॉस है सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, लेकिन एक आर्टिस्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत 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 बड़ा लॉस और जो कभी रिकवर हो ही नहीं सकता। तो यही मानेंगे कंट्रोलर से उनके फैमिली परिवार वालों को, उनके दोस्तों को, उनके फैंस को। और आप देख रहे हैं कि आज भी म्यूजिक कहीं ना कहीं हर म्यूजिशियन इंटरनेशनल बात करते तो उन्हीं की बात करते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो एमसी स्टैन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है जो कि शायद उनकी टीम ने ही किया होगा। उसमें लिखा हुआ था, फैम अप्रिशिएट अवर फैंडम फॉर बींग ऑथेंटिक एंड नॉट यूजिंग बॉट एंड पेड मीडियम टू बूस्ट कमेंट्स और हैशटैग्स। अवर पावर हैज फोर्स्ड अदर्स टू बाय कमेंट्स। साथ ही जो राखी सावंत हैं उनसे बिग बॉस के बारे में पूछा हुआ था तो उन्होंने क्या कहा हुआ है, साथ ही उन्होंने एमसी स्टैन के बारे में क्या कहा हुआ है, आप खुद देख सकते हो। कंटेस्टेंट अभी गए हैं फाइव स्टार जेल में। फाइव स्टार जेल मतलब बिग बॉस हाउस। बेचारे ये अभी इनका दम तोड़ दिया इन्होंने, रोने लग गए हैं। स्टैंड स्टैंड के बैंड बजाने का स्टैंड है ना, खड़े हो गए स्टैंड के स्टैंड, बस स्टैंड पे खड़ा है, स्टैंड के स्टैंड खड़े हो गए। पर आप जो डेडलॉक के अंदर जो बाल 50 साल से बाल नहीं धोए उसने, पर आप उसने बोला मैं कसम खा के मतलब बैठा है वो के यू नो मैं बाल नहीं दूंगा जब तक ट्रॉफी नहीं जीतूंगा। लेकिन स्टैंड तू टेंशन मत ले, तेरा स्टैंड लेने मैं आऊंगी अंदर और तेरा स्टैंड ऐसा खड़ा करूंगी। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है योयानी सिंह की तरफ से। तो योयो पाजी का अभी जो सॉन्ग रिलीज हुआ था पेरिस का ट्रिप, वो आप देख सकते हो लास्ट 24 आवर्स में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे चल रहा है यूट्यूब चार्ट्स में। साथ ही अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो कल एपी डिलन की ईपी रिलीज हुई है और उसी की ट्रैक लिस्ट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाली हुई थी और उसके नीचे आप देख सकते हो डिवाइन ने भी कमेंट किया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था लेट्स गो और इसको उन्होंने पिन भी किया हुआ है। साथ ही ये पहले भी साथ में देख चुके हैं तो हो सकता है कि आगे चल के इनका कोलैब सॉन्ग हमको देखने के लिए मिले। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।